गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अमिताभ सर फ्रॉम ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल हिम्मतपुर ब्लॉक। आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। सो एज ऑफ नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 4 एंड वी आर इन अ सेकेंड डे ऑफ योर क्लास। सो लेट्स डाइव इन टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द ट्यूटोरियल। ओके, सो प्लीज स्टे ट्यून विद मी। So student, we are in a second day of chapter number 4, tables in MS Word. And in our last topic, I gave you brief about what is a table, how a table is formed, how row and columns are formed, how to find the address of a cell in a table. तो ये चीज़ हमने बताई थी पिछली क्लास में. In today's topic, we would be covering up how to insert a table. So कितने methods हैं table insert करने के, वो आज मैं आपको show करूँगा. So let's dive into the practical part of the session. So let me minimize this presentation screen. आपको मैंने last time बताया था किस तरह से MS document open करते हैं. Start menu से when you click on start button in windows 10 straight away you will find straight start menu. alphabetic order mein aap scroll down kijiye, aapko yahan word show karega. lekin windows 7 mein thoda change hai. aap start button mein jab click karenge yahan aapko all programs ka ek folder dikhayega. when you click on all programs folder similar type ki screen jo aap yahan dekh rahe hain wo wahan show karegi. lekin आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर दिखाएगा, उसको आप जब एक्सपैंड करेंगे तब आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 शो करेगा. सो दिस इज हाउ यू विल ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम स्टार्ट मेनू. सो मैं ऑलरेडी मेरा शॉर्टकट यहाँ क्रिएट किया हुआ है. चलिए मैं यहाँ से आपको फिर से दिखा देता हूँ. अल्फाबेटिक ऑर्डर में स्टार्ट मेनू में जब आपने क्लिक किया, अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप नीचे गए और यू क्लिक ऑन वर्ड. सो हियर कम्स द स्क्रीन. सो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट करना है. सो टू क्रिएट अ टेबल यू हैव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स. वन इज टू इंसर्ट ए टेबल, द सेकेंड वन इज ट्रेस मेथड एंड थर्ड मेथड इज ड्रॉ अ टेबल. पहला मेथड जैसे बताया इंसर्ट ए टेबल, वहाँ सिंपली आप ड्रैग करेंगे ग्रिड्स में और आप टेबल को इंसर्ट करेंगे. देन ट्रेस मेथड में आप कितने रोज एंड कॉलम्स चाह रहे हैं वो मैनुअली एंटर करेंगे एंड देन यू विल क्रिएट अ टेबल. एंड द थर्ड ऑप्शन इज ड्रॉ. अगर आप अपनी तरह से टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं सो यू विल यूज़ माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट पेंसिल टू क्रिएट अ टेबल. सो मैं ये तीन मेथड शॉर्ट में आज आपको दिखाऊंगा. सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ टेबल व्हाट यू हैव टू डू, यू लुक अप अपर एंड ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट जहां आपके होम टैब के पास इंसर्ट टैब है. यू क्लिक ऑन दिस इंसर्ट टैब. द मोमेंट यू क्लिक ऑन इंसर्ट टैब आपको ये ग्रुप नजर आएगा जिसमें यहाँ ग्रुप नेम नीचे शो कर रहे हैं. सो इनसाइड इंसर्ट टैब अंडर टेबल ग्रुप आप देखेंगे ये टेबल के आइकन यहाँ बना हुआ. सो यू क्लिक ऑन दैट. व्हेन यू क्लिक ऑन दैट एज आई सेड यू हैव थ्री मेथड्स. एक तो टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको सिंपली जितने सेल्स इंसर्ट करना है ये सेलेक्ट कर सकते हैं. ये किस तरह से दिखाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने अभी फोर इंटू सिक्स किया है. दैट मीन्स फोर आपका जो है वो कॉलम है एंड सिक्स इज रो. अगर आप यहाँ चेक कीजिएगा, देखिए यहाँ जैसे मैंने मान लीजिए यही लिया दोबारा कॉलम. मैंने पिछली बार बताया था कॉलम्स आर नथिंग बट दोज आर वर्टिकल लाइंस एंड सेल्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस. सो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ. सो आई सेलेक्टेड विच ऑप्शन, मैं फिर से दिखाना चाहूँगा. यहाँ दिखा रहा है फोर कॉलम्स एंड वन टू थ्री
थ्री फोर फाइव, फाइव रोज। सो ये वाला हमने अभी सेलेक्ट किया था, ओके। सो मैं अभी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ। और मैंने बताया था कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आप उस ग्रिड के ऊपर जाएंगे, आपका जो जब कर्सर चेंज हो जाएगा डाउनवर्ड एरो में, तब आप क्लिक करेंगे एंड इट विल सेलेक्ट द एंटायर कॉलम। इन अ सिमिलर मैनर ऑन लेफ्ट हैंड साइड ये जो कर्सर आप देख रहे हैं ये आपके राइट इंक्लाइंड एरो में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन ओवर हियर आपका रो सिलेक्शन होगा, यू सी दैट। और अगर आप पूरा ड्रैग करेंगे तो पूरा सिलेक्शन होगा, ऐसे ही आप पूरा ड्रैग करेंगे लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके तो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो ये फर्स्ट मेथड हुआ। इसको डिलीट करने के लिए मैंने शिफ्ट बैकस्पेस की दबाई तो मेरा ये टेबल डिलीट हो गया। द नेक्स्ट मेथड इज योर ट्रेस मेथड वेयर यू इंसर्ट द टेबल मैनुअली। देखिए जब आपने इंसर्ट में क्लिक किया आपको यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज दिखा रहा है। ये कब ज़रूरत पड़ती है, जब हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेलेक्ट करना पड़ता है। सो अगर आप पहला वाला ऑप्शन देखेंगे, अगर मैं मैक्सिमम सिलेक्शन करूं तो ये मुझे 10 कॉलम्स एंड 8 रोज शो कर रहा है। इससे ज़्यादा अगर मुझे किसी वजह से लेना हो, मान लीजिए मैं अगर आपके क्लास का मार्कशीट लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, सो देर माइट बी मोर देन 8 स्टूडेंट्स, सो वहाँ मुझे ज़्यादा ग्रेड्स की ज़रूरत पड़ेगी या ज़्यादा टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये सिलेक्शन फेल है, ये काम में नहीं आएगा, तब मुझे ट्रेस मेथड में काम करना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा मुझे यहाँ ऑप्शंस देगा कितने रोज एंड कॉलम्स मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो कॉलम्स मान लीजिए आपको आप 8 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो 8 डिफरेंट कॉलम्स बनेंगे एंड 9th कॉलम होगा आपके नेम का। सो लेट्स से मैंने यहाँ 9 कॉलम्स सेलेक्ट कर लिए हैं और रोज लेट्स से द स्ट्रेंथ ऑफ योर क्लास इज 40। सो मैं यहाँ 40 रोज सेलेक्ट करूँगा। द मोमेंट आई सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आई क्लिक ऑन ओके। देखिए यहाँ पर 9 रोज मेरे पास अभी आ गए हैं एंड यहाँ 9 कॉलम्स यहाँ शो कर रहे हैं एंड यहाँ 40 रोज यहाँ आएगा। सो दिस ट्रेस मेथड इज बेटर देन द सेलेक्शन मेथड विच वॉज फर्स्ट ऑप्शन। सो ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है और नॉर्मली इसी को लेकर टेबल बनाया जाता है। नाउ थर्ड मेथड इज योर ड्राइंग अ टेबल। जब आप टेबल सेलेक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ टेबल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ देखिए एक डेफिनेट विड्थ है, जितनी विड्थ इस पर्टिकुलर बॉक्स की है उतनी ही विड्थ इस पर्टिकुलर बॉक्स की है, उतनी ही विड्थ इस पर्टिकुलर बॉक्स की है एंड सेम। लेकिन जब आप अपनी मर्जी का टेबल बनाना चाहेंगे, इन दैट सिनेरियो यू रिक्वायर टू ड्रॉ और टेबल ऑन योर ओन। सो यू क्लिक ऑन दिस, देखिए आपका ये कर्सर पेंसिल में कन्वर्ट हो गया। सो व्हाइल प्रेसिंग लेफ्ट बटन ऑफ योर माउस यू ड्रैग दैट टेबल। अब देखिए यहाँ पर आप अपनी मर्जी से और भी टेबल बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द विड्थ यू कैन क्रिएट रोज एंड कॉलम्स। सो इस टेबल का विड्थ एंड हाइट आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके ट्रेस मेथड में पॉसिबल नहीं है। यहाँ छोटा बड़ा आप अपनी मर्जी का बना सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे। इन कमिंग सेक्शन आई विल डिस्कस यू अबाउट मोर टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।